सुजानपुर प्रशासन द्वारा अस्थायी रूप से मध्य मैदान में बनाई गई वाहन पार्किंग में स्थानीय व्यापारी सुजानपुर आने वाले लोग अपने वाहन लगाना सुनिश्चित करें। अगर आपके वाहन यहां वहां पर पार्क हुए दिखाई पड़े, नियमानुसार कार्रवाई होगी। सुजानपुर पुलिस ने जागरूकता दिखाते हुए स्थानीय लोगों व्यापारी वर्ग को जानकारी देते हुए बताया कि सुजानपुर प्रशासन ने मध्य मैदान के एक तरफ त्योहारी सीजन के चलते वाहन पार्किंग बनाई है, जहां निःशुल्क वाहन खड़े किए जा रहे हैं। ऐसे में आगामी 16 नवंबर तक, जब तक त्योहारी सीजन चलता है, तब तक किसी भी तरह का वाहन दोपहिया एवं अन्य वाहन कल मुख्य बाजार में प्रवेश नहीं होगा। सुरक्षा एवं एहतियातन के मद्देनजर किसी भी तरह की अनहोनी घटना इस त्योहारी सीजन में ना हो, इसके लिए सुजानपुर प्रशासन ने ये कदम उठाया है। सुजानपुर थाना में कार्यरत एएसआई राकेश कुमार ने बाजार में पहुंचकर सभी लोगों से व्यापारी वर्ग से आह्वान किया कि बनाई गई पार्किंग में अपने वाहन खड़ा करें। लोगों को जागरूक किया जा रहा है, आने वाले दिनों में चलान करके सबक सिखाया जाएगा। उन्होंने बताया कि त्योहारी सीजन पर शहर में आने वाले ग्राहकों की सुविधा के लिए ये कदम उठाया गया है। ऐसे में सभी लोग सहयोग करें ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना कोई शहर में घटित न हो। इस मौके पर पुलिस ने लोगों के साथ साथ व्यापारी वर्ग के बाहर जो यहाँ वहाँ खड़े हुए वाहन हैं, उन्हें पार्किंग स्थल पर खड़े करवाया और चेतावनी देते हुए कहा कि अगली बार अगर बाहर यहाँ वहाँ वाहन खड़े दिखाई दिए तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बनाई गई पार्किंग का जो कि 16 नवंबर तक रखी गई है, और सभी दुकानदारों को हिदायत करी गई है कि आप अपने व्हीकल भी वहाँ उस बनाई गई पार्किंग में लगाएं, और साथ में जो आने वाली जनता है उनको भी इस बारे में अवेयर करवाएं। आज जिन जिन लोगों ने अपने व्हीकल यहाँ पार्क किए हुए थे, उन्हें हिदायत देकर छोड़ा गया है। भविष्य में अगर ये व्हीकल यहाँ पार्क करेंगे तो कानूनन उसके अनुसार कार्रवाई मुलमुला जाएगी।